भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने कहा है, यह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश कटाए सदगुरु मिले तो भी सस्तो जान। भगवान श्री राम भगवान थे और उनके गुरु भी भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण भगवान थे और उनके गुरु भी भगवान थे, लेकिन भाई और बहनों, उनको भी, भगवान श्री राम को भी और भगवान श्री कृष्ण को भी ऐसे सदगुरु नहीं मिले जैसे सदगुरु आपको हमको मिले हैं। ऐसा कहने में हमको कोई संकोच नहीं है, यकीन मानिए कि ऐसी सत्ता युगो युगो के बाद धरती पर आती है। भाव भरी पंक्तियां हम और आप श्रवण करें। इस योग हम कहां हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग हम फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग हम कहां हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग हम कहां जब से जन्म लिया है व्यसनों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है व्यसनों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है व्यसनों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम हर दम रखा दवाए। इस योग हम आए, गुरुवर तुम्हें दिखाए। इस योग हम कहाए, गुरुवर तुम्हें दिखाए। गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि, गौरी तुष्टि प्रभा धृतिः, एताभिः पाहि तनुभिः, अष्टाभिर्मां सरस्वती, सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः, वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेव च, मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता
ये त्वां भजन्ति किलान् परान् विहाय ते निर्जरात्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवन्निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन व्यास वंदना। व्यास भगवान की वंदना की जा रही है, सभी लोग हाथ जोड़े रहें। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप साधनादि पवित्रीकरणम। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सभी साधन सामग्री जो कुंड के आसपास रखे हुए हैं, सभी पर प्रत्येक कुंड से एक एक प्रतिनिधि जल पात्र लेकर खड़े हो जाएं और पुष्प से जल का सिंचन करें। ॐ पुनाति ते परिस्रुताग्वम् सोमाग्वम् सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ॐ उवाभ्याम् देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनीह विश्वतः। मंगलाचरणम। मंगलाचरण, हमारे सभी कार्य श्रेष्ठ हों, आप सब जो पधारे हैं आप सबके शुभ और मंगल की हम कामना करते हैं। आप सबका आचरण शुभ बने और यज्ञ के अनुरूप हमारा जीवन बनता चले, इसी भाव के साथ मंगलाचरण। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। पवित्रता देवत्व की पहली शर्त है। हमारी पूरी साधना अपने को पवित्र बनाने के लिए की जा रही है। आज का यह देव पूजन सफल हो, इसके लिए हम सब विशेष प्रार्थना पवित्रीकरण के माध्यम से करने जा रहे हैं। सभी याजक साधक बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ से ढकें, मंत्र पूरी जल को अपने ऊपर मंत्र के बाद में सिंचन करेंगे। ॐ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम्। मन वाणी और अंतःकरण को शुद्धि प्रदान करने के लिए तीन आचमन करें। एक एक चम्मच जल मंत्र के साथ स्वाहा शब्द बोलते ही मुख में डालें, भावना करें हमारा मन हमारी वाणी और हमारा अंतःकरण पवित्र बन रहा है। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिदानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्।
शिखा हमारी धर्म ध्वजा है। हमारे ऋषियों ने हमें शिखर का जीवन जीने की प्रेरणा दी। हमारे संतों ने, महर्षियों ने हमें उच्च विचार से जीवन जीना सिखाया है। इसलिए हम अपने चिंतन को ऊंचा रखें और अपने शिखा को वंदन करें, नमन करें। दाहिने हाथ में थोड़ा सा, बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ से स्पर्श करके शिखा के स्थान पर प्रणाम करें, स्पर्श करें। ॐ चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। हम सब अखिल ब्रह्मांड के प्राण तत्व को धारण करें, इस हेतु ऋषि प्रणीत प्राणायाम की क्रिया पद्धति को हम यहां प्रयोग करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ गोदी में रखें, कमर सीधी करें, आंखें बंद करें। हम सबके चारों ओर श्वेत चमकते प्राणों के सघन बादल मंडरा रहे हैं। उसी में से दिव्य श्वास को खींचें, रोकें, छोड़ें। प्राणायाम के मंत्रों के साथ प्राणायाम की भावना करते हैं, प्राण को धारण करें। ॐ ॐ भुवा ॐ स्वाहा ॐ महा ॐ जना ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। न्यास कहते हैं स्थापना को, दिव्यता को धारण करें अपने अंग प्रत्यंग में और स्वयं देव बन जाएं। देवो भूत्वा, देव बनकर ही हम देवताओं की वंदना करें, ऐसा भाव हमारे शास्त्रकारों ने किया है। बाएं हाथ में जल ले लें और दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां उस जल में डुबाएं। निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं की ओर स्पर्श करते चलें और देव शक्तियों का भाव बनाते चलें। ॐ वांग में आस्यस्तु मुख को, ॐ नसोर में प्राणोस्तु नासिका के छिद्रों को, ॐ अक्षणोर में चक्षुरस्तु नेत्रों को, ॐ कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु कानों को, ॐ बाहोर में बलमस्तु भुजाओं को, ॐ उर्वोर में ओजोस्तु जंघाओं को, ॐ अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। सभी यज्ञ में बैठे याजक, साधक, सहयोगी, दर्शनार्थी भाई और बहन अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले पांच पांच वृक्ष लगाने का संकल्प मन में दोहराएं। भाई और बहनों, वृक्षारोपण के अभियान के द्वारा पूरे देश में एक पर्यावरण की क्रांति खड़ी हो रही है। वृक्ष बचेंगे, जीवन बचेगा। एक मनुष्य को जीने के लिए कम से कम पांच वृक्ष चाहिए। आइए आप और हम त्रिवेणी, फल वाले, छाया वाले, औषधीय इत्यादि अपनी रुचि से क्षेत्र के अनुसार वृक्षारोपण क्रम का संकल्प मन में दोहराएं, धरती को हरा भरा बनाएं। वृक्ष गंगा अभियान के तहत पूरे देश में एक महान अभियान चल रहा है। अभी आपको एक छोटी सी पुस्तिका दी जाएगी जिसमें पांच मुख्य कार्यों का उल्लेख है। उसमें से एक उल्लेख इन्हीं बातों का है। अभी हाथ में अक्षत पुष्प लें, पांच वृक्ष लगाने का संकल्प करते हुए धरती माता पर जल अक्षत छोड़ेंगे। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देव
देवी त्वं विष्णुनाद्रिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। संकल्प धारणम्। गौपुष्टि महायज्ञ में पांच संकल्पों की बात उल्लेखित की गई है। उन पांच महासंकल्पों को आप और हम दोहराते हुए पंच महाअभियान ग्राम तीर्थ यात्रा में हमने आपने दोहराए थे। नर्मदा अंचल शुद्धि अभियान, वृक्ष गंगा अभियान, आदर्श ग्राम अभियान, बाल संस्कार शाला अभियान और 1,00,000 युवा जोड़ो अभियान इत्यादि, ये पांच क्रम थे और प्रत्येक क्रम में पांच पांच क्रम और हैं। वो पुस्तिका आपको हमको मिलेगी। आप और हम इन्हीं भावों को जन जन में साहित्य को पहुंचाते हुए, जन जन में गुरुवर की क्रांति को करने का जज्बा लेते हुए हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे पुनः, और आज के यज्ञ के क्रम का संकल्प वाला क्रम हम सब संपन्न करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्मन् मन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतरगते गायत्री धाम क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे अश्विन मासे शुक्ल पक्षम्याम त्रयोदश्याम तिथो शनिवासरे। अपनी गोत्र का नाम ले, गोत्रोत्पन्न अपना नाम ले, नामाहम दोहराए, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल उज्ज्वल भविष्य भविष्य कामना पूर्तये च, कामना पूर्तये च, प्रबल प्रबल पुरुषार्थम पुरुषार्थम करिष्ये करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च, अस्मै प्रयोजनाय च, कलशादि कलशादि आवाहित आवाहित देवता देवता पूजन पूर्वकम पूजन पूर्वकम गौपुष्टि गौपुष्टि युग सृजन साधना युग सृजन साधना कर्म कर्म संपादनार्थम संपादनार्थम संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये करिष्ये। मस्तक से लगा ले और एक पात्र में पदार्थ समर्पित करें। चंदन धारणम। मस्तिष्क को शांत शीतल और सुगंधित बनाए रखने की आवश्यकता है। ये हमारा मन ही हमारे समस्त जीवन का कारण है। आइए मस्तिष्क को शांत और सदा ऊंचा बनाए रखेंगे। इस भाव के साथ में परस्पर अनामिका उंगली में रोली कुंकू लेकर परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए तिलक लगाएं। एक बार मंत्रों से पूर्व भाई बंटी जी देव पीठ से संपर्क कर लें। मंत्रों का क्रम प्रारंभ हो रहा है। तिलक एक दूसरे को धारण कराएं। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। एक कोई कार्यकर्ता भाई व्यास पीठ को भी तिलक धारण कराए, गौरज धारण कराए, और एक भाई आयोजक भाई बंटी भाई व्यासपीठ से संपर्क भी कर ले। रक्षा सूत्र धारणम। परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने धर्म तंत्र से, धर्म के सिद्धांतों से अपने हाथ को सदा बांधे रखें। इस मर्यादा में कर्तव्य के बंधन में हमारा हाथ बंधा रहे, इस भाव के साथ रक्षा सूत्र। ओम
व्रतेन दीक्षा आप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते कलशपूजनम्। गीत की पंक्तियां प्रस्तुत है, तब तक व्यासपीठ को तिलक धारण करने का क्रम संपन्न हो रहा है। आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं, वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए, चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए। हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है, हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर ली है, प्रभु स्वीकार कर ली है। सफलता के लिए आश्वस्त हो पलके बिछाए, सफलता के लिए आश्वस्त हो पलके बिछाए, प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए। विशेष भाव भरा पूजन, कुछ नाम हम पुकार रहे हैं, वे परिजन अपनी पूजा की थाली लेकर अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचेंगे। श्री जी एस बिसेन जी और श्री मणिशंकर पाटीदार जी ये व्यासपीठ पर आ जाएं। देव मंच पर पूजन के लिए कलश दीपक गुरु गायत्री और गौ माता का पूजन। इसके बाद चार परिजनों की आवश्यकता, चार जोड़े पंचवेदी पूजन में, पंचवेदी पूजन में उस तरफ जो मुख्य यज्ञशाला है उसमें चार जोड़े रहेंगे। श्री प्रेम अग्रवाल जी एक वेदी के पास पहुंचे, श्री प्रेम अग्रवाल जी एक कलश की वेदी पर, यज्ञशाला के चार कोनों पर चार वेदियां हैं, एक पर आप पहुंच जाएं। श्री बी एस बिसन, जी एस बिसन और मणिशंकर जी पाटीदार ये व्यासपीठ पर आए। श्री प्रेम अग्रवाल जी, श्री चंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री जयदेव राव चौहान जी और श्री जे एल सनोदिया जी ये मुख्य यज्ञशाला के चार कोनों पर चार जोड़े पहुंचे उसी तरफ। श्री विजय गायकवाड़ जी, श्री इंद्रजीत देवरे, श्री भागीरथ शर्मा, श्री संजय अग्रवाल, श्री रामजी चंदन और श्री डी के पाटिल ये गौशाला वाली यज्ञशाला में आ जाएं। जल्दी करें, श्री विजय गायकवाड़ जी गौशाला वाली यज्ञशाला में जाएं, सर्वतोभद्र के पास खड़े हों। श्री इंद्रजीत देवरे
श्री भागीरथ शर्मा, श्री संजय अग्रवाल, श्री राम जी चंदन, ये गौशाला वाली यज्ञशाला के चार कोनों की चार वेदियों के पास बैठे और श्री डी के पाटिल ये भी सर्वतोभद्र मंडल के पास जाएं। श्री डी के पाटिल जी भगवान हनुमान देव जी के पास जाएं, सर्वतोभद्र के पास में जाकर। आइए सभी आप अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचे, वहां पर आप जगह बना लें, उत्तर मुख या पूर्वाभिमुख में अपना मुख करके आप अपना स्थान ले लें, बैठ जाएं। जब आपको पूजन के लिए कहा जाएगा तब आप अपने अपने स्थानों पर पूजन करेंगे। सभी को एक साथ पूजन नहीं करना है, सर्वप्रथम भगवान कलश और दीपक भगवान का और देव आवाहन का क्रम व्यास पीठ पर हो रहा है, देव मंच पर हो रहा है। देव मंच के दोनों जोड़े अपने स्थानों पर खड़े हो, जहां कहा जाए वही करेंगे। अभी नीचे जितने भी जोड़े हैं सब अपने अपने स्थानों पर बैठे। बोले यज्ञ भगवान की जय। और देव मंच पर एक सहयोगी कार्यकर्ता भी, कार्यकर्ता भाई या बहन भी आ जाएं। देव मंच पर एक सहयोगी कार्यकर्ता भाई बहन भी आ जाएं। इसी प्रकार से सर्वतोभद्र मंडल पर जो जोड़ा है वहां पर भी एक सहयोगी भाई बहन पहुंचे, ताकि पुष्प यज्ञोपवित सुपाली समग्र सामग्री पूजा की समर्पित की जा सके। आदरणीय जीजी जो है वो सर्वतोभद्र मंडल पर पूजन की व्यवस्था के क्रम को संपन्न कराएं। सर्वप्रथम भगवान कलश का भाव भरा पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेह बोधुरुषाग्वम् समान आयुः प्रमोषी ॐ मनो ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयन्ताम् प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रश्रमाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिता कोक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथयजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा तत्र
प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलो भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम मुख्य देव मंच पर सब की ओर से एक प्रतिनिधि दीपक भगवान का ज्योति पुरुष का भाव भरा पूजन कर रहे हैं। सभी परिजन दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। देवावाहनम मुख्य मंच पर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी जो इस यज्ञ के आचार्य हैं उन्हीं का संरक्षण इस यज्ञ में प्राप्त है। सभी परिजन अपने अपने देव मंच पर अपने अपने यज्ञ मेखला के पास एक देव प्रतिमा देव चित्र रखा होगा। आप भाव भरा पूजन वहां करने का क्रम करेंगे। सभी जो अतिरिक्त जोड़े बैठे हुए हैं वे सभी भी हाथ जोड़कर देव मंच की तरफ मुख रखते हुए भाव भरा पूजन करने का क्रम संपन्न करेंगे। ऐसी ऋषि सत्ता जिन्होंने अपने को तिल तिल गलाया समाज राष्ट्र और समाज और संस्कृति के लिए जिन्होंने अपनी आहुतियां दी ऐसी ऋषि सत्ताओं के श्री चरणों में हम सभी भाव भरा नमन अभिवादन करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देव माता वेद माता विश्व माता का भाव भरा नमन अभिवादन। ॐ माया त्वर्दे देवी त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोरे नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सर्वप्रथम कुंड जो यज्ञशाला है उसके पूर्व दक्षिण दिशा में आग्नेय कोण में लाल रंग का अग्नि तत्व वेदी का पूजन करेंगे। जो लाल रंग में अग्नि तत्व वेदी में बैठे हुए हैं वो हमारे मुख्य यजमान हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और सभी लोग भावनात्मक हाथ जोड़े रहें पूजन में साथ दें। हमारे जो उपाचार्य भाई बहन बैठे हैं वो पूजन को सही क्रम से संपन्न कराने के लिए बराबर सहयोग करते रहें। ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठाः यजिषो वनितमासो शुचानो विश्वा द्वेषाग्वंसि प्रमोघ्रस्मत। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
ये जोड़ा जिसने पूजन किया वो अपने स्थान पर बैठ जाए। अब दक्षिण पश्चिम दिशा में जहां हरा रंग है वहां पर पृथ्वी तत्व की भाव भरी पूजा दोनों यज्ञशालाओं में, गौ माता की यज्ञशाला में भी और यज्ञशाला में भी, इस तरफ की दाहिनी ओर यज्ञशाला में भी जहां हरा रंग पृथ्वी तत्व है वहां पर भाव भरा पूजन करेंगे। ओम महीद्यो ॐ पृथ्वी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वायु तत्व का पूजन पश्चिम उत्तर दिशा में जहां पीला रंग है दोनों यज्ञशालाओं में, दोनों वेदियों पर जहां पीला रंग बना है, वायुदेव प्राण संचार और सुवास में लगकर हम सबको आशीर्वाद से कृतार्थ करें। इस भाव से भाव भरी वंदना। ओम आलोनियोति शतिनी विराद्वरग्वं सहस्रणी विरूपयाह्यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उत्तर पूर्व दिशा में वरुण देवता काला रंग, क्षेत्र और कार्य से संबंध जल तत्व की हरिकाई पूजन के साथ स्नेह संवेदना श्रद्धा सरलता का दिव्य संचार करते हुए देवी प्रयोजन में भरपूर सहयोग के लिए तरंगित हो रही है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणेह बोधुर्षग्वं समान आयु प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश तत्व का भाव भरा पूजन मुख्य मंच के मुख्य कलश पर। भावना करें कि सर्वव्यापी आकाश तत्व की दिव्य चेतन धाराएं दिव्य प्रयोजन से संबद्ध हर प्राणी हर पदार्थ को महत चेतना के अनुरूप सक्रियता की क्षमता से परिपूरित कर रही है। ओम यावाम कषा मधुमस्य स्विनासूनतावति तया यज्ञम् मिमेक्षतम् उपयामहि तोस्य स्वीभ्याम् वैशते यो निर्माद्भिज्ञां त्वा। ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सप्तऋषि आवाहनम्। अब सप्तऋषियों का विशेष आवाहन पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों देव मंचों पर सप्तऋषियों के लिए पूजन का क्रम होगा। सर्वप्रथम उद्घोष होगा, गान होगा, मंत्र होगा, तत्पश्चात आप वो सामग्री समर्पित करेंगे। गौतम ऋषिया वाहनम्। श्रोत कर्म के संप्रदाय का जिनने किया प्रमर्दन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे न निष्क्रिय गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे न निष्क्रिय गौतम ऋषि को आज नमन। ॐ गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियः
श्रोतानां कर्मणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः। ॐ गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऋषि भरद्वाज आवाहनम्। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भरद्वाज पाहे वंदन। अतुल ज्ञान के थे सागर ऋषि भरद्वाज का है वंदन। ये ऋषि भर यह भाव भरा मंत्रण है स्वीकार करें हम सबका आतिथ्य में आकर अंगीकार करें हम सबका आतिथ्य में आकर अंगीकार करें। ओम भर महर्षि विश्वामित्र आवाहनम्। तेजस्य प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने उन ऋषि विश्वामित्र सिद्ध को करते हम सब नमन यहाँ कृपा करें ब्रह्मर्षि आपका शुभ करके आगवन यहाँ कृपा करें ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगवन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं। जललग्नि समाप्रभा अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि आवाहनम्। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगति ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी पूज कृपा करें ऋषिवर हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकारें यहाँ स्वयं आकर हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकारें यहाँ स्वयं आकर। कश्यप सर्वलोकाढ्या सर्वभूत दया कर अस्त्वां प्रार्थयामीश पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि आवाहनम्। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और तप के देश से जो जा जल मान मुख था तपो मूर्ति उन ऋषि का होता यह आज आवाहन है महायज्ञ में उन्हीं पूज वर का वंदन अभिनंदन है महायज्ञ में उन्हीं पूज वर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम् आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्ने नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महर्षि वशिष्ठ आवाहनम्। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिरूप रहे
कार्य कुशल इतने की कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिसका मन है, उन्हीं मुनि श्रेष्ठ पूज्य वर का सादर आवाहन है। उन्हीं श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ का श्रेष्ठ वही आवाहन है। धर्मरूपाय माते लोकानां हितकारिणे ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अत्रिमुनि आवाहनम्। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी है, तपोपोत हे सत्य रूप हे तेजस्वी व्रतधारी हे महान ऋषि यात्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। शिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे तेजसे ओम अत्रये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऋषि माता अरुंधती आवाहनम्। सुख सौभाग्य प्रदाती माता बालक शीश झुकाते हैं इस पुनीत बेला में। हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं, हम अबोध बालक हैं माता कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में हो वे ममता का अवतरण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां गृणामि। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गौ माता पूजनम्। देव मंच पर गौ माता के प्रतीक का पूजन होगा और वहां पर प्रत्यक्ष गौ माता का भाव भरा पूजन होगा। श्रद्धा और भाव के साथ सभी परिजन जो पूजन कर रहे हैं वो पूजन करें, बाकी सभी परिजन गौ की जय ही नहीं गौ की सेवा का, गौ के संरक्षण का, गौ दुग्ध के पान का भाव भरा संकल्प मन में धारण करते रहे। गौ माता का भाव भरा पूजन। ओम नमो गोप्य श्रीमतीभ्य सौरवेभ्य एवच नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्ववेदानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदाङ्गे। ॐ गौमाताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ कामधेनु विद्महे समुद्र मंथने प्रगटे धीमहि तन्नो सुरभिः प्रचोदयात्। आइए माता सुरभि की वंदना करते हैं एक स्त्रोत्र के माध्यम से, जिस माँ सुरभि की कृपा से ये गौलोक धाम विधिवत संचालित है, सप्तऋषियों की व्यवस्था को यहाँ से संचालित किया जा रहा है। ऐसी माता गौ की स्मृति गाते हैं, स्तुति गाते हैं।
नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम बीज रूपणैय नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा प्रियायै च पद्ममाशाय नमो नमः नमा कृष्ण प्रियायै च गवाम मात्रे नमो नमः कल्पवृक्षस्वरूपिण्यै सर्वेषां सततं परे क्षीरदायै धनदायै वृद्धिदायै नमो नमः शुभायै शुभदायै च गोप्रदायै नमो नमः यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः स्त्रोत्रश्रवणमात्रेण तुष्टा हृष्टा जगत्पशुः अविरवभूव तत्रैव ब्रह्मलोके सनातनि महेन्द्राय वरं लब्ध्वा वाञ्छितं चापि दुर्लभं जगाम स लोकानुगोलोकं ययुर्देवादयो गृहं बभूव विश्वं सहसा दुग्धपूर्णं च नारद दुग्धं घृतं ततो यज्ञस्ततः प्रीतिः सुरस्य च इदं स्त्रोतं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च या पठेत् सा गोमान्धवाश्चैव कीर्तिमान पुंस्तां तथा सा स्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः इह लोके सुखं भुक्त्वा यान्ति यन्ते कृष्णमन्दिरं सुचिरं निवस्ते तत्र करोतु कृष्णसेवनं न पुनर्भवनं तत्र ब्रह्मपुत्रो भवेत् ततः बोलिए सुरभि माता की जय गौ माता की जय बोले पवन सुत हनुमान जी की जय यहाँ पर बड़ा अनूठा प्रयोग हुआ है प्रत्येक गांव के भगवान बजरंगबली के मंदिर में स्थापित भक्त शिरोमणि सेवा के प्रतीक भक्ति के प्रतीक सरलता सादगी बल के प्रतीक शक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान देव ऐसी गुरु भक्ति ऐसी सेवा भक्ति यदा कदा ही दृष्टिगोचर होती है। भाई और बहनों हनुमान जी भक्ति के सेवा के राम काज किए बिन कहा मोहि विश्राम के प्रतीक हैं। आइए प्रत्येक ग्राम से हनुमान मंदिर से भगवान हनुमान जी के श्री चरणों को स्पर्श कराकर सुपारी अर्थात संकल्प आया है इस यज्ञ में हम सब भगवान हनुमान देव के श्री चरणों में नमन अभिवादन करें उनसे शक्ति सामर्थ तेज ओज वर्चस ब्रह्मचर्य संयमशीलता मांगते हुए उनके श्री चरणों में भाव भरा पूजन समर्पित करें। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ हनुमते नमः आवाहयामि स्थापयामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। सर्वतो भद्रवेदिका पूजनम्। भगवान गणेश विवेक के देवता पीत रंग आवाहन पूजन। विघ्न विनाशक है सुर पूजित है घट घट वासी। विघ्न विनाशक है सुर पूजित है घट घट वासी। देवों के भी देव गजानन गणपति कैलाशी। विश्वमूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो। विश्वमूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो।
महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम गणानाम त्वा गणपति गम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गम हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपति गम हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा, त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गौरी माता तपस्या के देवी, हलारंग आवाहन पूजन। चार भुजाओं तीन दृगों वाली गौरी माता, चार भुजाओं तीन दृगों वाली गौरी माता, वस्त्र आभूषण धारण कर आओ गौरी माता, वस्त्र आभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। तरंच प्रयंसः। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा निर्माण के देव, लाल रंग में आवाहन पूजन। ओम ब्रह्मज ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबोध्या उपमा अस्यविष्ठाः सतस्य योनिमसतस्य विवः। ॐ ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु भगवान ऐश्वर्य के देव, श्वेत रंग में आवाहन पूजन। ॐ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरेश्वाः। ॐ विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ध्यान दे, सर्वतो भद्र मंडल पर हमारे एक अनुभवी कार्यकर्ता बहन या भाई खड़े रहे। पूजन का क्रम क्रमबद्ध है। रुद्र भगवान दमन के देव, लाल रंग में आवाहन पूजन। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैसवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता गायत्री ऋतंभरा प्रज्ञा, पीत रंग में आवाहन पूजन। ओम गायत्री त्रिष्टु जगत्यनोष्टु पंक्त्या सह बृहत्युष्णिया ककुप्सूचिभिः सम्यन्तु त्वा। ओम गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सरस्वती माता बुद्धि शिक्षा की देवी, लाल रंग में आवाहन पूजन। ओम पावकाना सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु यावसु। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
लक्ष्मी माता समृद्धि की देवी श्वेत रंग में आवाहन पूजन। ओम श्री चते लक्ष्मी शपत्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनौ व्याप्तम् इष्णन्निषाणामुम्मैषाण सर्वलोकम् मैषाण। ओम लक्ष्म्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दुर्गा शक्ति संगठन की देवी लाल रंग में आवाहन पूजन। ओम व्यात वेद से सुनवाम सोम अराति यतो निदहाति वेद सन पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुं दुरित्यात्यग्निः। ओम दुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पृथ्वी क्षमा की देवी श्वेत रंग में आवाहन पूजन। ओम मयि द्यौ पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् विप्रीताम् नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्नि भगवान तेजस्विता के देव पीत रंग में आवाहन पूजन। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वानि तमशो शुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसि प्रमुग्धस्मता। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वायु भगवान गतिशीलता के देव श्वेत रंग में आवाहन पूजन। ओम मानो नियोद्विशति निवीराद्वराग्वं सहस्रणी विरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्ति वि सदा नः। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्र भगवान व्यवस्था के देव लाल रंग में आवाहन पूजन। ओम प्रातारमिन्द्रम वितारमिन्द्राग्वं हवे हवे सुहवाग्वं शूरमिन्द्रम वयामि शक्रं पुरहूतमिन्द्रग्वं स्वस्ति नो मघवादात्विन्द्रः। ओम इन्द्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यम भगवान न्याय के देव श्वेत रंग में आवाहन पूजन। ओम सुगन्नु पंथां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ये अजरन्न आयो अपैतु मृत्यु ममृतम् आगात् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु। ओम यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान कुबेर मित व्ययिता के देव काले रंग में आवाहन पूजन। ओम राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अश्विनी कुमार आरोग्य के देव पीला रंग आवाहन पूजन। ओम अश्विना तेजसा चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय ददुरिन्द्रियं मा। ओम अश्विनी कुमाराभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य भगवान प्रेरणा के देव काला रंग में आवाहन पूजन। ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो
निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न ॐ सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान चंद्रमा शांति के देव लाल रंग में आवाहन पूजन। ॐ इमं देवा असपत्नाग्वं सुवन्द्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय इममोष्य पुत्रममोष्यै पुत्रमस्यै पिशेशवोमि राजा सोमोऽस्माकम् ब्राह्मणाग्वं राजा। ॐ चंद्रमसे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मंगल भगवान कल्याण के देव श्वेतरंग आवाहन पूजन। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम् अपाग्वंग्रेता ग्वंसि जिन्वति। ॐ भौमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान बुध संतुलन के देव हरारंग आवाहन पूजन। ॐ उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमीष्टा पूर्ते सगं सृजेतामयं च अस्मिन् सदास्ते आद्योत्तरास्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ॐ बुधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान बृहस्पति अनुशासन के देव पीले रंग में आवाहन पूजन। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्रात्मति भाति कृतमज्जनेषु यदि दयच्च वसरित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये वैसते यो निर्बृहस्पतये त्वा। ॐ बृहस्पतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शुक्र भगवान संयम के देव हरे रंग में आवाहन पूजन। ॐ मन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबक्षत्रम् पया सोमं प्रजापति रितेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्वं शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधो। ॐ शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शनिश्चर भगवान तितिक्षा के देव लाल रंग में आवाहन पूजन। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान राहु संघर्ष के देव पीत रंग में आवाहन पूजन। ॐ कया नक्षत्र आभुवदूति सदा व्रदः सखा कया सचेष्टया वृता। ॐ राहवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। केतु भगवान साहस के देव लाल रंग में आवाहन पूजन। ॐ केतुं किण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुसद्धिरजायथाः। ॐ केतवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता गंगा पवित्रता की देवी श्वेत रंग आवाहन पूजन। ॐ
ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरिता ॐ गङ्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पितृ भगवान दान के देव पीले रंग में आवाहन पूजन। ॐ पित्राभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः पितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः आक्षन् पितरो मिमदन्त पितरो तृप्तन्त पितरः पितरः शुन्दध्वम् ॐ पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्राणी श्रमशीलता की देवी श्वेत रंग में आवाहन पूजन। ॐ आदित्यैरास्नासीन्द्राण्या उष्णीष पूषा शिगर्माय दिश्व ॐ इन्द्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रुद्राणी वीरता की देवी काले रंग में आवाहन पूजन। ॐ याते रोत्र शिवा तनुरघोरा पाप काशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ता विचाकसी ॐ रुद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्माणि नियमितता की देवी पीले रंग में आवाहन पूजन। ॐ इन्द्रायाय दियेशितो विप्रजूत सुतावतः उपब्रह्माणि वागतः ॐ ब्रह्माण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्प भगवान धैर्य के देव काला रंग में आवाहन पूजन। ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवी मनु ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॐ सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वास्तुदेव कला के देव हरे रंग में आवाहन पूजन। ॐ वास्तोस्तते प्रतिजानी अस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवाना यत्त्वे मये प्रतितन्नो जुषस्व त्वं नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे ॐ वास्तुपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश देव विशालता के देव नीले रंग में आवाहन पूजन। ॐ यावाम कषा मधुमात्यश्विना सूर्णतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयामग्रहितोऽस्याश्विभ्यां त्वेषते यो निर्माद्विभ्यां त्वा ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अपने स्थान पर आप प्रणाम करके बैठे। सर्वदेव नमस्कारः। जिन देव शक्तियों को भाव से आवाहित किया बुलाया उन सभी देव शक्तियों के श्री चरणों में हम सभी नमः के साथ मस्तक झुकाते हुए अभिवादन करते चलें, उनका आशीष लेते चलें।
ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः नमः। ओम एतत्कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्ये नमः नमः। ओम पुण्याहं दीर्घमायुरास्तु षोडशोपचार पूजनम। 16 प्रकार के वस्तुओं के द्वारा विशेष पूजन, जो मुख्य यजमान जहाँ बैठे हैं, कुंडों के पास बैठे हैं, खाली पात्र में या सामने, जो जो वस्तुएं यहाँ से बताई जाए, श्रद्धा से भावना से भगवान को समर्पित करते चलेंगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपम् दर्शयामि। देव मंच की ओर इशारा करें, दीपक यहाँ प्रज्वलित है। नैवेद्यम् निवेदयामि इलायची दाना आदि निष्ठान रखा होगा, आप भगवान को भोग लगा दें। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि सुपाड़ी भगवान को चढ़ा दें। दक्षिणाम समर्पयामि हाथ में कुछ ले लें या अक्षत पुष्प लेकर के चढ़ा दें। सर्वाभावी अक्षतान समर्पयामि अक्षत पुष्प ले लें, भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांग लें। हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रोदये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी हितकारिणी वचनों की घोषणा। भाइयों बहनों, ये मंगल कार्य और ये समस्त जगत का मंगल हो, ऐसे पुण्य भाव बनाते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से हम अपनी भावनाएं अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। सब परस्पर एक दूसरे का कल्याण करेंगे। हमारा यह यज्ञ सभी के लिए हितकारी और कल्याणकारी बने। सभी याजकगण अपने दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प ले लें और बायां हाथ नीचे लगा लें। एक स्वर में एक साथ मंत्रों का उद्घोष करें।
ॐ गणानां त गणपति गं हवामहे प्रियाणां त प्रियपति गं हवामहे निधीनां त निधिपति गं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्राप्त्रेस्तो विष्णोः जोरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अक्षत पुष्प को मस्तक से लगा ले, प्रणाम कर ले और पूजा की पूजा की सामग्री रखने वाले पात्र में इन वस्तुओं को आप समर्पित करें। देव मंच का जो मुख्य जोड़ा है श्रद्धे भाई साहब देव मंच पर विशेष उद्बोधन के लिए आने वाले हैं, आप अपने स्थान पर पहुंचे। रक्षा विधान के लिए प्रत्येक कुंड से मुख्य यजमान बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हों। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। धर्म आदर्शों अच्छाइयों और सिद्धांतों का नाम है, आचरण का नाम है। आइए हम अपने आचरण से अपनी गरिमा की रक्षा करें। कोई व्यक्ति वजनी, कोई व्यक्ति मजबूत और कोई व्यक्ति फौलादी विचारों वाला तभी बनता है, आयरन मैन तभी बनता है जब उसके विचार आचरण और उसकी भावनाएं पवित्र परिष्कृत और प्रखर होती है। अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब। अच्छाई बुराई दुनिया में इसलिए नहीं बढ़ गई कि बुरे लोग बढ़ गए, बुराई इसलिए बढ़ गई है कि अच्छे लोगों ने बोलना और प्रतिरोध करना बंद कर दिया है। आइए रक्षा विधान का क्रम संपन्न करें। हमारे सभी देवालय, हमारे सभी पूजा के स्थान, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे इसीलिए थे। उसका क्या उद्देश्य है, देव स्थान कैसे हो, मंदिर क्या करे, आश्रम क्या करे, इस पर सार गर्भित आशीर्वचन अभी हमें मिलने हैं। उससे पूर्व हम रक्षा विधान का क्रम संपन्न करें। सभी का मुख
पूर्व दिशा में हो। सभी हमारे परिजन जोड़े सहित जो बैठे हैं यज्ञ कुंड पर, अपना मुख पूर्वाभिमुख कर ले, बाएं हाथ में अक्षत ले ले और दसों दिशाओं में थोड़े थोड़े अक्षत समर्पित करते चलेंगे। श्रद्धा और भाव के साथ रक्षा विधान का क्रम संपन्न करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आपने हम गरुड़ध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्यं तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ईशान्यां हि महेश्वरः, ऊर्ध्वं रक्षतु दाता वो यदोऽनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तमपि यत्स्थानं रत्वद्विषो ममादिति, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता, ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषाम् अविरोधेन यज्ञ कर्म समारवे, यज्ञ कर्म समारवे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए सुरभि माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। भारत माता की जय।